हेलो डी एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत, सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो बच्चों, फर्स्टली तो विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट, बिकॉज आपका एग्ज़ाम है 5th of May का। तो पूरे साल में आपने जो किया है वो बच्चों परसों का दिन ही आपके डिसाइड करेगा, राइट। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप एक अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर दोगे। तो फर्स्टली तो आप बच्चों ध्यान रखें कि आपका जो टाइम स्केड्यूल होगा एग्ज़ाम का, वो है 2 to 5 PM, राइट। तो उस टाइम पे आपको उस पर्टिकुलर टाइम साइकिल के अंदर एक्टिवेट रहना है, फुली एनर्जेटिक रहना है। तो उसी हिसाब से अपना रूटीन बनाए, ठीक है। और उसके अलावा बेटा, अब अपन ने जो कर लिया वो ठीक है, अब उसमें ना पड़े कि वापस आप उन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगी, राइट। तो आप क्या करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने जितने सॉल्व किए वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और उसके अलावा जो आपने मॉक टेस्ट दिए थे उनका आपको बेनिफिट से मिलने वाला है। तो इस एग्ज़ाम को भी आप काइंड ऑफ मॉक टेस्ट लें, बिकॉज भाई जैसे वो एग्ज़ाम दिए अपन ने, तो वैसे ही तो ये एक एग्ज़ाम है। तो मेंटली ये थ्योरी सेट ना करें कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया का काम है कहना, बेफिक्र रहे हैं ना, दिल की सुने, अपने मन की सुने, अच्छे से एग्ज़ाम दें ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।